को शास्त्री भवन कैबिनेट ब्रीफिंग में। दो मेजर फैसले किए जिसमें नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन उसके 50% पेड अप इक्विटी को डिसइन्वेस्ट करने का फैसला किया है। 15%। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टुडे has decided to disinvest 15% of paid up equity of National Building Construction Corporation out of the government's of India shareholding of 90%. इसको हम disinvest करेंगे, इसके पूरे process होंगे, इसमें हम कुछ share discount पर 5% employees को भी देंगे, and the government hopes that an estimated receipt of 1,706 crores is likely to come from this. 1,706 crores. But this is just the estimation. It may go up also. सरकार की अपेक्षा है कि लगभग 1,706 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी इस डिसइन्वेस्टमेंट से। इसमें एक दूसरा फैसला हुआ है जिसके मुताबिक जो आईटीआई है उसके शेयर्स को ट्रांसफर करना है। इसमें मुताबिक रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर ऑफ आईटीआई को ट्रांसफर किया जाएगा स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। रिक्विजिट शेयर्स ऑफ द आईटीआई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन shall be transferred to the National Special Investment Fund, which is known as SNIF. ये इसलिए होता है कि जब भारत सरकार की ओर से कैपिटल इन्फ्यूजन होता है जिसका फैसला हमने लिया था तो फिर आपको रिक्विजिट शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसी ये SBI की गाइडलाइन है, तो SEBI की गाइडलाइन है, इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं। स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। मित्रों, हम आते हैं कैबिनेट के फैसले पर। कैबिनेट ने आज से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसमें पहला है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किलिंग करनी है आने वाले 4 वर्षों के अंतर्गत, 2016 से 2020 के बीच में। द कैबिनेट टुडे हैज टेकन ए वेरी हिस्टोरिक डिसीजन whereby 1 crore young people are going to be skilled in the coming 4 years at an estimated cost of 12,000 crores. The entire details of this program shall be given to you in this cabinet note. But what is important is कि इसमें 60 लाख नौजवानों को नए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 40 लाख वो होंगे जिनके पास कोई नॉन फॉर्मल अनुभव है, ट्रेनिंग है, उनके नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग को और अधिक पॉलिश करना, प्रभावी करना। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय किया है, इसके विषय में आपको मुझे बताना था। मित्रों, दूसरा निर्णय है कि वो भूटान में पुनतास PUNATSANGCHU is a long name, hydroelectric project in Bhutan. The name is there, I don't want to wrongly pronounce it, I should be very frank to you. iske humne revised cost estimate 7290.62 crores. Bharat sarkar ne dusri baar ye faisla kiya hai aur ye Bharat Bhutan ke beech badhte hue sambandhon ka sanket hai. Aap is baat ko samjhe ki Bharat ke pradhanmantri banne ke baad unki pehli videsh yatra Bhutan hui thi और जहां माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि भूटान और भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आए और वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सपोर्ट करें, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसलिए इस पूरे एस्टीमेट को रिवाइज किया गया और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से बहुत सारे भारत को भी बिजली मिलेगी और हम उसे खरीदेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो मुझे आपको बताना था। मित्रों, एक और फैसला हुआ है कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के,
who are Hindus, who are Sikhs, who are Buddhist, who are Jains, who are Parsis, who are Christians. ये हिंदुस्तान में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं. दे हैव बीन परसिक्यूटेड, देयरफॉर दे हैव कम एंड टेकन शेल्टर हियर. तो उनको बैंक अकाउंट खोलने में, प्रॉपर्टी को खरीदने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड लेने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, आधार नंबर लेने में, और स्टेट से यूनियन टेरिटरी जाने में कठिनाई होती थी, और लॉन्ग टर्म वीसा का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो पेनल्टी लगती थी. तो और एक उनके साथ दिक्कत थी कि आप जहां पर आए पहली बार तो भले आप वहां से कहीं और चले गए लेकिन अप्लाई वहीं से करिए. तो ये सारी कठिनाइयाँ आ रही थी. टुडे गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी इन प्रिंसिपल डिसीजन टू अलाउ देम टू ओपन अ बैंक अकाउंट, परचेज प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड सूटेबल accommodation for carrying out employment or permitting them driving license facility, PAN number, Aadhaar card, free movement from a state to union territory and vice versa, and also waiver in the penalty for late filing of their visa extension. Is pure nirnay ka saar ye hai ki Bangladesh, Pakistan aur Afghanistan mein jo रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जिनमें हिंदूज हैं, सिक्स हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के साथ भारत में आकर वीसा पर रह रहे हैं, उनको कई कठिनाइयां होती थीं बैंक अकाउंट खोलने में, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह तलाशने में, रहने के लिए मकान बनाने में, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार नंबर इत्यादि इत्यादि. कई बार वो दिल्ली आए या पंजाब में आए और कहीं वो दूसरे प्रदेश में चले जाया करते थे, उससे कठिनाइयाँ होती थी. तो आज भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला करते हुए कि जो लॉन्ग टर्म वीसा पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन तीनों देशों के, उनको ये सुविधा दी है जो मुझे आपको सूचित करना था. और एक बात और भी है कि भारत सरकार में सिटीजनशिप को लेने के आवेदन देने के बारे में उनको पहले 3,000 से 15,000 रुपये देने पड़ते थे, अब उससे घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है आज के फैसले के मुताबिक. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो मुझे आपको बताना है. मित्रों, एक और कैबिनेट ने फैसला किया है कि ये जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम करेंगे. आशय वही था लेकिन शब्दावली के कारण भाव का प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा था. व्हाइल नेमिंग इट एज राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इट वॉज श्योरली द इंटेंशन वॉज, बट इट वॉज नॉट एबल टू कन्वे इन एसेंस द स्पिरिट बिहाइंड नेमिंग इट in the memory of the first president of India. Therefore, it will be now known as Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University. We shall move a legislation for that. Mitro, ek aur bahut hi mahatvapurna faisla kiya gaya hai. Ye pure purvi Bharat ke vikas ke liye bahut hi mahatvapurna hai. Aur thoda hum aapko isko vistar se batana chahte hain. Aapko malum hai ki hamari sarkar ne ghoshna kiya tha ki Gorakhpur, Sindri aur Barauni, इन तीनों जगह पर जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं जो काफी दिनों से घाटे के कारण बंद पड़े हैं, इसको हम रिवाइव करेंगे. और इसके साथ साथ कैबिनेट का यह भी फैसला हुआ था कि जगदीशपुर से हल्दिया तक जो हम गैस पाइपलाइन ला रहे हैं तो ये तीनों फैक्ट्री उसके एंकर कस्टमर बनेगी. तो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से हल्दिया पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार जाते हुए उसके पूरे अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण होगा. और ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट के शुरू होने से अगर हमारे जो पत्रकार मित्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के होंगे तो वो गोरखपुर के फर्टिलाइजर प्लांट के महत्व को समझते हैं, और जो बिहार झारखंड के होंगे वो बरौनी के फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल और सिंदरी के फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल को समझते होंगे. ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट पिछले 40-50-60 साल से चले हैं.
तो हमने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगा था, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में संतोषजनक उत्तर नहीं आया। लेकिन चूंकि ये कैबिनेट का कमिटमेंट था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की थी, तो अब ये फैसला हुआ है कि इसको हम अच्छे पीएसयूज के साथ नॉमिनेशन बेसिस पर देंगे, और उसमें 3 पीएसयू का कैबिनेट ने आज फैसला किया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 पीएसयूज हैं आपके एनटीपीसी, कोल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 पीएसयूज का एक एसपीवी बनेगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1.27 एमएमटीपीए यूरिया यूनिट 3 जगह स्थापित करेंगे। तो बाकी उसका विस्तार आपको कैबिनेट नोट में मिलेगा। तो ये 3 एनटीपीसी, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन 3 की एसपीवी मिलकर गोरखपुर, बिहार के बरौनी, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और झारखंड में सिंदरी, इन 3 जगह पर 1.27 एमएमटीपीए यूरिया यूनिट की फैक्ट्री लगाएंगी। और स्वाभाविक है, आप समझते हैं कि 3 जब शुरू हो जाएगा तो ये सब एंकर कस्टमर बनेंगे गैस पाइपलाइन के, और पूरे पूर्वी भारत के इकोनॉमी का एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक था। दे विल डिसाइड। आई कम फ्रॉम बिहार, आई कम फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ दोज एरिया, बट टुडेज डिसीजन बाय द कैबिनेट टू हैव दीज 3 स्पेशल अमोनियम यूरिया यूनिट बींग एस्टैब्लिश्ड देयर बाय द इनिशिएटिव ऑफ 3 गुड पीएसयूज ऑफ इंडिया इज अ गेम चेंजर इन द इकोनॉमी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक था, तो मैंने आपको कहा बता दूँ। Now I am willing to take questions on cabinet decisions. First on cabinet decision. आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। बहुत ही महत्वपूर्ण कई अहम फैसलों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अगले 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करने के बारे में बात कही। इसके अलावा जो माइनॉरिटी अलग अलग क्षेत्रों की लॉन्ग वीज़ा पर रहते हैं उनकी सुविधाओं की उन्होंने बात कही। और दोबारा से हम ले चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग में। So there, so will there be a provision for them to mention their nationality on the Aadhaar card? No, those are questions of details will have to be worked out. But you must understand that they have come to India after suffering persecution there, and once they are there, they are staying here on long-term visa. I explained that those who are in India because of persecution, enjoying the benefit of long-term visa, that conditionality is already mentioned. Mr. Prasad, Radhika was the first to raise hand. As the law minister, would you please comment on the second big jolt that the government has got from the Supreme Court? Does it reflect poorly on the law management of the government, or the lack of law management in the government? First of all, I completely disagree of your comment on law management. Supreme Court of India is completely independent and free. Just a minute. Therefore, that question I completely disapprove of. And since you asked this question to the Law Minister of India, I strongly refute it. Because underlying this question is an assumption that management is possible in the Supreme Court. That is very, very unfair. Now, coming to this whole issue, we have yet to get the copy of the judgment. We will study the judgment in detail, go through its implication, and obviously the Supreme Court judgment is supreme. Then we'll be able to make some structured comment. Having said that, I can only like to observe that from media reports I have seen that the Supreme Court has directed a status quo ante as in December 2015.
I can very safely recall that a lot of developments have taken place post December. Namely, President Rule was withdrawn, new government was sworn in, new government has proven its majority on the floor of the House by the due legislative process. Now, in the light of all this, what is required to be done in terms of the Supreme Court's direction, obviously, which is paramount, requires detailed consideration. So once we get the copy of the judgment, we'll surely consider it. इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है. उस निर्णय की प्रति अभी हमें नहीं मिली है. उस प्रति के व्यापक अध्ययन करने के बाद हमारी ओर से सुविस्तारित टिप्पणी की जाएगी. एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि मैंने मीडिया के रिपोर्ट में इस बात को देखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि दिसंबर 2015 की स्थिति को बहाल किया जाए. इसलिए भी उन निर्देशों का व्यापकता से अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति शासन को वापस किया गया, क्षमा करेंगे, उसके पश्चात नई सरकार को शपथ दिलाई गई और नई सरकार ने विधानसभा की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने बहुमत को साबित कर दिया है. तो इन सारे आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अध्ययन करना पड़ेगा और उसके पश्चात हम एक सुविचारित टिप्पणी करेंगे. नहीं, उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था ना, उसमें आपने क्या अध्ययन किया, उसे क्या सीख लिया आपने? देखिए, सीखने का सवाल नहीं है, इसके पहले से था. ये तो इसके पहले से था. आपकी जानकारी के लिए, जहाँ तक मुझे स्मृति आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पहले से रेफर था, वहाँ बहस चल रही थी. ये अरुणाचल का विषय. Well, I cannot make any comment. As I told you, now you are talking to the Law Minister of India. Okay, therefore. तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे, जिन्होंने बताया है कि जो अहम फैसले हैं कैबिनेट के, उसमें अगले 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, इसके अलावा लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो माइनॉरिटी रहती है अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें उनकी सुविधाओं के विकास और इससे भी महत्वपूर्ण पूर्वी भारत के एक हिस्से को बढ़ावा देने के लिए 3 अमोनिया यूनिट्स को 3 PSUs के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही पार्टी कोई विस्तारित टिप्पणी करेगी. और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टीजी न्यूज़.